हेलो दोस्तों, मैं दिनेश क्योरा, आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। भारत सरकार ने आज स्पुतनिक फाइव को परमिशन दे दी दवाइयाँ वैक्सीन बनाने की, अचानक से रशियन मेडिसिन को, जिसकी 92% एफिकेसी कही जा रही है। 3 नंबर होने के नाते, 5 नंबर का साल होने के नाते, भारत दरअसल एक गेम खेल रहा है दुनिया के अंदर, और ये वैक्सीन का गेम खेल रहा है, जिसके अंदर सबसे पहले उन्होंने जो सीरम इंस्टीट्यूट को जो ऑर्डर दिए और बाद में देने बंद किए, इस चक्कर में सीरम इंस्टीट्यूट की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ना उनके पास पैसे हैं इस टाइम, और ना ही वो वैक्सीन बना पा रहे हैं जो चाहिए। अब जबकि मार्केट में वैक्सीन है नहीं कहीं भी, और लोग खाली वापस जा रहे हैं, जम्बो केंद्र भी खाली हो गए हैं, और इंडिया में पौने दो लाख केसेस पर डे आ रहे हैं, तो अब सरकार के हाथ पैर कांपने शुरू हो गए हैं। अब तीसरी मेडिसिन को, वैक्सीन को, स्पुतनिक फाइव को परमिशन मिली है, लेकिन साथ में जॉनसन जॉनसन, फाइजर और मॉडर्ना, जो अमेरिका की मेडिसिन थी, वैक्सीन थी, उनको परमिशन नहीं दी। एक तरह से भारत अमेरिका की जो वैक्सीन हैं उनको शायद पनिशमेंट देना चाहता है। भारत अमेरिका को दिखाना चाहता है कि मैं तेरे से बहुत ऊपर हूँ, लेकिन अमेरिका तो अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है, वो इंडिया की वैक्सीन यूज़ नहीं कर रहा है। लेकिन इंडिया का जो रवैया है इस टाइम वैक्सीन डिप्लोमेसी के अंदर, बाकी चीज़ों में, उसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है। मैं बता नहीं सकता कि हाउ मच बैड नेम वी हैव अर्न्ड इन द वर्ल्ड अबाउट दिस मैटर। शुक्रिया आपका।